मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिजाइन सर्कुलर कॉलम। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिकली नॉर्मली कॉलम कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में स्टडी की थी और उससे रिलेटेड एक मेथड सॉल्व किया था। तो आज हम कुछ डिजाइन स्टेप्स फॉलो करने के सर्कुलर कॉलम के। तो इसमें कॉलम की डिजाइनिंग कुछ सिमिलर ही रहेगी, जैसे हमको स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है, उसके बाद नेट इफेक्टिव एरिया निकालना है, इफेक्टिव लेंथ निकालना है, वो सारी चीजें हमारी कॉमन रहेगी। बस इसमें चेंजेस क्या होंगे, इसमें दो केसेस पे हमको सॉल्व करना होगा। फर्स्ट केस हमारा क्या रहेगा, इफ द सेपरेट लेटर टाइज आर प्रोवाइडेड। सेपरेट लेटर टाइज प्रोवाइड कर इसका मतलब क्या होता है, अगर फर्स्ट हमारा कोई कॉलम है उसमें जब हम नेम्स या सीरियल्स प्रोवाइड करते हैं तो वो सेपरेट सेपरेट हम उसको अगर नॉटिंग कर रहे हैं तो ये हमारा सेपरेट हो जाता है। और अगर हम इसको चेन वाइज जिस तरीके से कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, हेलिक्स हो जाता है ना। तो ये दोनों के लिए अलग अलग केस होता है और अलग अलग केस के लिए अलग अलग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, उस बेसिस पर हम न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगर हम सेपरेट टाइज यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से यूज़। तो ये हमारा केस वन है। केस वन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।